हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क 2016 के कुछ रियल क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस की मदद से डेफिनेटली आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस समय एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये कुछ स्पॉटिंग लगे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और ये एसबीआई क्लर्क 2016 के रियल क्वेश्चंस हैं, तो इनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, ये कि सेंटेंस दिया है और इसमें पांच पार्ट हैं, पांचवा पार्ट इसमें नो एरर का है, और जिस भी पार्ट में इसमें एरर है वही इसमें आपका आंसर होगा। अब देखिए, इस सेंटेंस को यदि आप पढ़ें, यहाँ से हर्षवर्धन सेड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व हिज रूट एज ही हैड स्पेंट द फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन द स्ट्रीट ऑफ ओल्ड दिल्ली। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेज में आपको क्या करना है कि जितने भी ये पार्ट हैं, इसमें पांच पार्ट हैं, तो पांचों पार्ट्स को आपको इंडिविजुअली हैंडल करना है, ठीक है। एक एक पार्ट को आपको देखते जाना है और जिस पार्ट में आपको एरर नहीं लग रही है उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ना है आपको। मतलब एक एक पार्ट को आपको इंडिविजुअली देखना है और तेज़ी से देखना है, ठीक है। ये इसका अप्रोच होता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, हर्षवर्धन सैड, ठीक है, यहाँ पर सैड आया है तो यहाँ पर वॉज आया है, ये जो कि सही है। ही के साथ यहाँ पर वॉज आया है। अब यहाँ पर देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या होता है, कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेज होते हैं, जैसे प्रपोजिशंस होते हैं, आपका इन हुआ, इनटू हुआ, टू भी एक प्रपोजिशन है, ठीक है, फॉर हुआ, अपॉन हुआ। तो ये जितने भी प्रपोजिशंस हैं, इन सभी के बाद या तो हम नाउन लगाते हैं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। एक ये फैक्ट आप याद रखिए, ठीक है, प्रपोजिशन या प्रपोजिशनल फ्रेज। अब जैसे ये क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू में टू एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू पूरा का पूरा अगर मिला के देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज। टू एक प्रपोजिशन है और लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेजेस के बाद हम या तो नाउन लगाएंगे या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं जेरंड, वो भी एक नाउन फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको ग्रामर सेक्शन में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप ये पढ़ें कि प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेजेस, जैसे लुक फॉरवर्ड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, रिलेटेड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, विद ए व्यू टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो इन सभी के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। अब यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू तो इसलिए आया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए यहाँ पर हम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोल रहे हैं। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सर्व लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर यही वर्ड आपका गलत है, इसके स्थान पर आपको सर्विंग यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो ये तीन प्रपोजिशनल फ्रेज मैंने आपको बताए हैं अभी, लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू और रिलेटेड टू, इन सभी के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। और जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं, जैसे इन हुआ, इनटू हुआ, ऑन हुआ, फॉर हुआ, अपॉन हुआ, बिफोर हुआ, आफ्टर हुआ, इन सभी के बाद भी आपको या तो नाउन लगाना है या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है। तो इसमें जो गलती है वो किस पार्ट में गलती है, इसमें बी पार्ट में गलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर इसमें हैड लगा है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है जो कि सही है। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, तभी आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यदि यहाँ पर स्पेंड होता तो ये गलत हो जाता, स्पेंट लगा है जो कि थर्ड फॉर्म है जो कि सही है, ठीक है। द फर्स्ट, फर्स्ट से पहले द लगा है जो कि सही है, क्योंकि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनसे पहले हम द लगाते हैं, तो ये सही है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, यहाँ पर स्ट्रीट से पहले द लगाया है, ये इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रीट की बात नहीं कर रहे, स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। तो इस तरीके से रिमेनिंग सेंटेंसेस में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से लुक फॉरवर्ड टू जो है वो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और उसके बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, और इस तरीके से मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। अब इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो एक ही एरर की मदद से काफ़ी सारे एरर्स आपके बन जाएंगे। अब देखिए, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अ फैमिली ऑफिस हैज़ टू एग्जीक्यूट, ठीक है, एक फैमिली ऑफिस को, एक फैमिली ऑफिस को, यहाँ पर ए जो है वो सही लगा है, हैज़ टू जो है इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो कि सही है, ठीक है।
ऑल टास्क मतलब पूरे काम, एक फैमिली ऑफिस को एग्जीक्यूट करने होते हैं सारे काम। सारे काम किससे संबंधित होते हैं? रिलेटेड टू। अब देखिए रिलेटेड टू, मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था आपको कि रिलेटेड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो चूंकि ये प्रपोजिशनल फ्रेज है इसलिए इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इसमें भी आपका वही सेम एरर है। और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो हैं, ये सारे 10 क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, ये 2016 के एसबीआई क्लर्क के रियल क्वेश्चंस हैं। तो जैसे ही इस सेंटेंस में कहीं पे भी आपको एरर मिलती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें। यदि कहीं पर भी आपको, आप स्पॉट करते हैं उस एरर को, तो बस वहीं पर लगा के उसको आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको श्योर होना चाहिए कि यही इसमें एरर है। तो यहाँ पर इसमें ये इसमें एरर है, अ फैमिली ऑफिस हैज़ टू एग्जीक्यूट ऑल टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ द अपर रिच फैमिली। तो इसमें भी आपका बी पार्ट में एरर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री स्पेशली प्राइवेट बैंक्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स आर। देखिए आर का प्रयोग सही है क्योंकि दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, एक प्राइवेट बैंक्स और एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, ये दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये आर का प्रयोग जो है ये सही है। ठीक है, आर के बाद हमने क्या लगाया है, आर फोर्स टू स्टैंडर्डाइज, आर इंक्रीजिंगली फोर्स टू स्टैंडर्डाइज, मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और आपका जैसे प्राइवेट बैंक्स हैं और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, ये दिन पर दिन इनको फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, दे आर इंक्रीजिंगली फोर्स टू स्टैंडर्डाइज देयर प्रोडक्ट्स, कि वो अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करें। जैसे HDFC बैंक का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो HDFC बैंक का ही होना चाहिए, SBI का है तो वो SBI का ही होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि अपना एक अलग से उनका एक ब्रांड होना चाहिए, तभी वो अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑप्टिमाइज टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है जो कि सही है। ठीक है, और यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, मैनेजमेंट फर्म्स आर इंक्रीजिंगली फोर्स्ड, मतलब ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है, इंक्रीजिंगली फोर्स मतलब उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको दूसरी सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, बाहर की एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के द्वारा उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करें ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को ऑप्टिमाइज कर सकें। ठीक है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पर जैसे आर लगा है तो आर के बाद यहाँ पर फोर्स क्यों लगा है, फोर्सिंग क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे यदि आप बोलें कि आई एम फोर्स्ड, तो इसका मतलब है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है। ठीक है, आई एम कंपेल्ड, इसका मतलब है कि मुझे कंपेल किया जा रहा है किसी के द्वारा। पैसिव वॉइस में कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होता है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ही काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस में उस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे यदि एक्टिव वॉइस में मैं बोलता हूँ आपको, जैसे आई टीच, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं पढ़ाता हूँ। और यदि मैं बोलूँ कि आई एम टॉट, ये पैसिव वॉइस है, तो आई एम टॉट का क्या मतलब हुआ, आई एम टॉट का मतलब हुआ कि मुझे पढ़ाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा कोई ना कोई एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट रहता है जिसके द्वारा उस सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर चूंकि फोर्स इसलिए आया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, फर्म्स आर इंक्रीजिंगली फोर्स्ड। ठीक है, फोर्सिंग नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमने लगाया है। और चूंकि यहाँ पर ये टू लगा है तो टू के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और देयर इसलिए आया है क्योंकि दो सब्जेक्ट्स है ना, एक प्राइवेट बैंक है और एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स है, तो इसलिए देयर आया है। और टू के साथ ऑप्टिमाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो यहाँ पर गलती क्या है, यहां पर कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में आपका आंसर होगा ई, यानी नो एरर। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। अब ये सेंटेंस देखिए, सोशल और इम्पैक्ट फंड्स आर प्राइवेट इक्विटी लाइक फंड्स। देखिए इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें पूरे सेंटेंस को, और थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इस सेंटेंस को पढ़ें आप आराम से और देखिए इसमें आप गलती निकालिए कहां इसमें गलती हो सकती है। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद इसमें आप देखेंगे गलती कहाँ हो रही है इसमें। देखिए आप इसमें जब दो चीज़ों को हम जोड़ते हैं तो या तो उनको और से हम कनेक्ट करते हैं या एंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ए और बी को मैं एंड से जोड़ता हूँ तो वो दो चीज़ें बन जाएंगी, ए एंड बी। और अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी, तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही चीज़ है।
ठीक है, क्योंकि और का मतलब होता है या तो ए या फिर बी, मतलब एक बार में आप एक ही चीज़ ले रहे हैं, और यदि आप बोलें कि ए एंड बी, मतलब एक बार में आप दोनों चीज़ें ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सोशल और इम्पैक्ट फंड्स का क्या मतलब है कि ये एक ही चीज़ है, सोशल और इम्पैक्ट फंड्स। जब ये एक ही चीज़ है तो यहाँ पर फिर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। बस ये आपकी गलती निकल गई, और इसमें आप श्योर हैं कि यही इसमें गलती है, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। एग्जामिनेशन हॉल में पूरा सेंटेंस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपको क्लियर होता है कि यहाँ पर ये गलती निकल रही है, बस वहीं पर आपको लगा के आगे बढ़ना है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ए। अब देखिए एक ये सेंटेंस है, वाइल, इसको भी आप पढ़ें, वीडियो को आप पॉज कर दें और इसको आप पढ़ें और इसमें गलती निकालें। वाइल रेजिडेंशियल लैंड परचेजेस हैव बेनिफिटेड मैनी इन्वेस्टर्स, बाइंग लैंड कैन बी रिस्की स्पेशली फॉर ए NRI। NRI क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो देश से बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देखिए इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वाइल रेजिडेंशियल लैंड परचेजेज हैव बेनिफिटेड मैनी इन्वेस्टर्स, एक तरफ देखिए वाइल से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाइल से हम कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लिए लैंड परचेज को खरीदना फायदेमंद रहा है, दूसरी तरफ NRI के लिए लैंड परचेज करना रिस्की हो सकता है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, वाइल रेजिडेंशियल लैंड परचेजेस, लैंड परचेजेस मतलब जमीन को खरीदने का जो प्रोसेस है, ये एक नाउन है यहाँ पर। वाइल रेजिडेंशियल लैंड परचेजेस हैव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर परचेजेस लगा हुआ है। वाइल रेजिडेंशियल लैंड परचेजेस हैव इसलिए आया है क्योंकि ये आपका प्लूरल है। ठीक है, और बेनिफिटेड इसलिए आया है क्योंकि हैप के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैनी इन्वेस्टर्स, और यहाँ पर एक्चुअली कॉमा होना चाहिए, बाइंग लैंड कैन बी रिस्की स्पेशली फॉर आ NRI। तो इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ें और इसमें आप गलती निकालें, कहाँ पर गलती हो सकती है। देखिए कोई भी ऐसा वर्ड जो वोवेल साउंड से शुरू होता है, ठीक है, जैसे यदि मैं बोलता हूँ आपसे SP, तो S की जो साउंड है वो किसकी साउंड है, ए बोल रहा हूँ मैं शुरू में, तो ए मतलब बॉबल की साउंड, पी में बॉबल की साउंड कहाँ आ रही है, पी में तो पा बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यदि इसी तरीके से यदि मैं एक्स बोलूँ, शुरू में ए आ रहा है, ठीक है, तो ए क्या हुआ, बॉबल हुआ। उसी तरीके से यदि मैं एन बोलूँ, तो एन को मैं कैसे लिखूँगा, एन को मैं ऐसे ही तो लिखूँगा हिंदी में, एन, ये एन लिख दिया मैंने, तो एन में शुरू में क्या आ रहा है, बॉबल आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो वोवेल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, वोवेल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पर NRI से पहले इसमें एन आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट पूरे सेंटेंस को पढ़ता रहेगा और बड़ी बड़ी जगह एरर देखेगा, बेनिफिटेड में कोई एरर देखेगा, यहाँ देखेगा, वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा, जबकि गलती इसमें यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा आपका डी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। देखिए ये दूसरी तरीके के क्वेश्चन हैं और ये SBI क्लर्क में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन PO में नहीं आते, ये SBI मतलब बैंक क्लर्क के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आते हैं। इसमें एक सेंटेंस दिया है और इसमें चार वर्ड को पिक कर किया गया है और चार वर्ड को बोल्ड किया गया है, तो चार वर्ड में क्या हो सकता है, चार वर्ड की या तो स्पेलिंग गलत होगी किसी एक वर्ड की, या फिर वो वर्ड इनएप्रोप्रिएट होगा वहाँ पर, वहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से वो गलत होगा। अब इसमें देखिए आप, कंप्लीटर की स्पेलिंग सही है, ठीक है, कंप्लीटेड की स्पेलिंग सही है, रेस रेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सेप्शन का क्या अर्थ होता है, एक्सेप्शन का अर्थ होता है अपवाद। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो सारे रूल्स को फॉलो नहीं करती उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन की स्पेलिंग ये सही है, इस एक्सेप्शन की स्पेलिंग ये गलत है, EXEPTION होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर होगा आपका डी। ठीक है, इस तरीके से इनको निकालना होता है आपको। अब यहां पर देखिए आप, पुअर पोस्चर, पोस्चर की स्पेलिंग सही है, लीड LEED होता तो गलत हो जाता, ये सही है लीड, मस्कुलर सही है, प्रॉब्लम सही है, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका ऑल करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तेजी से आपको करना है क्योंकि आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है और आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 22 23 नंबर, 30 में से मिनिमम 22 से 23 नंबर, मैथ्स में आपको लाना है मिनिमम 25 से 28 के बीच में, रीजनिंग में भी 25 से 28 के बीच में, और इंग्लिश में आपको लाना है 20 से 22 के बीच में, मिनिमम मिनिमम ये आपको बता रहा हूँ,
और आपका जो 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 टोटल स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 75 से 80% के बीच में, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। आप सोच रहे हैं कि 50-60% पे हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है, मिनिमम 75 से 80% तक आपको टारगेट करना चाहिए प्री में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, पंप की स्पेलिंग सही है, ऑफ की स्पेलिंग सही है, रिजल्ट की स्पेलिंग सही है, लेकिन मैकेनिकल की स्पेलिंग देखो आप ध्यान से, मैकेनिकल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से इसको आपको करना पड़ेगा तभी आप इस तरह की एरर्स निकाल पाएंगे। तो इसमें गलती क्या है आपकी, इसमें मतलब आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा डी। यहां पर आ जाओ, यहां पर आप देखो, प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है, पॉम्पस की स्पेलिंग सही है, पोर्टल्स ऑफ लर्निंग की स्पेलिंग सही है, स्पीच की स्पेलिंग देखो आप, स्पीच में क्या आता है, SPEECH आता है, तो ये गलत है। यहां पर, यहां पर आंसर क्या होगा आपका, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों होगा, बी होगा, ठीक है ठीक है, बी होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन देखिए आप, कोपिंग विद हर मदर लॉन्ग इलनेस वॉज हैवी लोड टू बेयर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसकी मदर की जो लॉन्ग इलनेस थी उसके साथ उसको सहन करना एक बड़ा लोड था जिसको सहन किया जा सकता था, जिसको सहन नहीं किया जा सकता था, ठीक है। टू बेयर का मतलब होता है सहन करना, लोड मतलब वजन, इलनेस मतलब बीमारी, कोप का मतलब होता है सहन करना, कोप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को डील करना या उससे उसको सहन करना। लेकिन कोप में COPING होता है, COPEING नहीं होता, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया इसमें, ए इसमें आपको आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ये रियल क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। आपको कोई भी फीडबैक देना है, आपको मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो इस ईमेल आईडी के थ्रू आप सपोर्ट ले सकते हैं, और इस कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो क्लास में किसी भी क्वेश्चन को समझाने में कोई भी एरर लगी हो, कोई भी गलती लगी हो, तो मुझे इस ईमेल आईडी पर आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू। रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया।